हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए ये बेबी स्वेटर का डिज़ाइन और बेबी स्वेटर लेकर आई हूँ। बिल्कुल आसान है बनाने में और ये 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए मैंने बनाया है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कैसे बनाना है इसे। मैंने 120 फंदों से स्टार्ट किया है इसे बनाना। तो यहाँ पर मैंने ये टोटल जो है 11 सिलाइयाँ बनाई हैं। तो राइट साइड में ये 6 रो हमें दिखेंगी उल्टी उल्टी, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 5 होंगी, 1 2 3 4 5। तो टोटल 11 सिलाइयाँ उल्टी साइड से, कलर जो है सेकंड लगाना है मैंने। तो ये 11 सिलाइयाँ हो चुकी हैं फंदे डालने के बाद। तो ये हमारी बटन पट्टी रहेगी, ये सीधा फंदा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ही फंदे इस साइड हैं बटन पट्टी के, और यहाँ पर मैंने बटन होल भी किया है। तो इतना पार्ट मैंने बना लिया है, 120 फंदों में बनाया है। तो मैं आपको कम फंदों में बता देती हूँ कि कैसे हमने इसे बुना है। तो मैंने यहाँ पर कम फंदे डाले हैं, मैंने डाले हैं 120 फंदे। तो मैंने यहाँ पर डाले हैं 25 फंदे। तो मैं 25 फंदों में आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि कैसे हमने इसे स्टार्ट किया था। तो देखिए, मैंने ये फंदे डाले हैं, ये 25 फंदे हैं। तो देखिए, ये डबल किया है धागा, इस साइड का सिंगल है, और ऐसे फंदे डाले हैं इस तरीके से। कई वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हैं फंदे डालने की ऐसे। तो मैंने ऐसे फंदे डाल लिए हैं, ये कम फंदे डाले हैं। इसमें बता देती हूँ कि कैसे मैंने यहाँ स्टार्ट किए हैं। तो देखिए, फंदे डाल लिए, अब ये सीधी साइड है, ये उल्टी लाइन दिख रही है तो उल्टी साइड है। तो सीधी साइड में देखिए कैसे बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेंगे बिना बुना, नेक्स्ट फंदा भी बिना बुना उतारना है। अब धागा आगे करेंगे, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे करेंगे। ये बटन पट्टी के मैंने बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें एक फंदा उतारा, सेकंड फंदा भी उतारा, 5 फंदे उल्टे बुने, फिर एक फंदा उतारा। तो टोटल 8 फंदे हो गए। बाकी बीच में आपके जितने भी फंदे हैं 8 फंदों के बाद, सारे फंदे सीधी साइड से उल्टे बनाने हैं, लास्ट में 8 फंदे रहने तक, क्योंकि 8 फंदे दूसरी साइड भी बटन पट्टी के होंगे। तो मैं आपको कम फंदों में बता दूंगी कि कैसे हमने स्टार्ट करना है। अगर आप बिगनर हैं और बेबी के लिए स्वेटर बनाना चाहते हैं, तो एक साथ ही आपका स्वेटर बनेगा, अगला भाग और पिछला भाग इसमें इकट्ठा ही बुना जाएगा। तो ये बीच के फंदे सारे सीधे बना लेने हैं आपने, और जब लास्ट में आना है तो देखिए धागा पीछे करना है, एक फंदा उतारना है बिना बुना, धागा अपनी साइड, और 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5, धागा पीछे, इस फंदे को भी स्लिप करेंगे बिना बुना, नेक्स्ट फंदा सीधा बना लेंगे ऐसे। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है उल्टी साइड से, सेकंड रो पहला फंदा उतारेंगे, और अब हमने सभी फंदों को बुन लेना है उल्टा। और ये बेबी बूल है फ्रेंड्स, और मैंने इसमें ये 10 नंबर की सिलाई लगाई है। बेबी बूल में 10 नंबर की नीडल का ही यूज़ होता है। बॉर्डर आपने 12 नंबर पर बना लेना है, और बॉर्डर के बाद आपने 10 नंबर की सिलाई यूज़ करनी है। पर मैं इसमें एक ही सिलाई से बनाऊंगी, 10 नंबर से ही सारे स्वेटर को बनाऊंगी। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है, सीधी साइड में है, फिर जैसे फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही बनाना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, पहला फंदा उतारा, नेक्स्ट फंदा भी उतारेंगे बिना बुना, जैसे सीधा बुनते हैं वैसे उतारेंगे, धागा आगे करेंगे,
फिर से पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, धागा पीछे। इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे बिना बुना, तो आठ फंदों की बटन पट्टी हो गई। और नेक्स्ट फंदे जो हैं बीच के जितने भी होंगे आपके, जैसे मैंने 120 फंदे डाले हैं, तो आठ फंदों के बाद 112 फंदे रहेंगे आगे, तो आठ फंदे लास्ट के छोड़ेंगे। ये बीच के सारे भी फंदे, बीच के सारे ही फंदे उल्टे बना लेंगे आठ फंदे रहने तक। ये देखिए ऐसे बना लेंगे। अब फिर से आ गया, ये सीधा फंदा है, ये आठ फंदे बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसे उतारेंगे और पांच फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे। इस फंदे को उतारेंगे बिना बुना और लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। उल्टी साइड से सभी रो को, सभी फंदों को उल्टा बनाना है। तो देखिए ये तीसरी सिलाई है, तो हमें दो लाइनें यहाँ दिख रही हैं और एक यहाँ। जब उल्टी रो भी कंप्लीट हो जाएगी तो चार सिलाई में ये दो लाइन कंप्लीट होगी। तो ऐसे ही हमने 12 सिलाइयाँ बना लेनी है और इस साइड आपने बटन होल भी रखना है। अब जब उल्टी साइड में आएंगे तब यहाँ पर बटन होल रखना है, तो मैं बटन होल भी आपको बता देती हूँ। कि कैसे हमने बटन होल को बनाया है, ये सीधा फंदा ऐसे नहीं बनाना है, नहीं तो यहाँ से घूम जाएगा, आपने देख लेना है। सीधा आना चाहिए ऐसे, इस तरीके से। चेन जैसा आना चाहिए, घुमा नहीं आना चाहिए। ये देखिए ये आ गया सीधा फंदा, तो ऐसे नहीं बनाना है, नहीं तो ये घूम जाएगा। यहाँ से नीचे की साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे अपनी साइड और फिर ऐसे बुन लेंगे, ताकि ये चेन जैसा सीधा रहे। अब ये पांच फंदे हैं जो कि उल्टे बुने थे राइट साइड में, तो टोटल हमारे आठ फंदे हैं। तो ये एक फंदा, ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ, तो देखिए एक उल्टा बुना, दो तीन, तीन फंदे बना लिए और धागा पीछे। अब उल्टी साइड से मैं यहाँ पर दो का एक कर दूंगी, साथ में धागा पीछे किया तो जाली बन जाएगी। तो इस तरीके से दो फंदों को इकट्ठा बना लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ गया, एक यहाँ से बुना, तो दो के दो फंदे रहेंगे, तो ऐसे। ये लास्ट में एक, देखिए सीधा फंदा नीचे की साइड से बनाना है, दो और ये तीन। तो सीधी साइड में फिर देखिए फंदे पूरे होने चाहिए, ये सीधा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एट फंदे। हमारा ये बटन होल बन गया है, फिर से जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बनाएंगे। एक फंदा उतारा, एक सीधा बुना, धागा अपनी साइड, पांच फंदे उल्टे, एक दो, ये जाली वाला भी फंदा नीचे की साइड से बुनना है, पांच छः सात, धागा पीछे, इस फंदे को उतारेंगे आठ। तो ऐसे हमारा बटन होल भी आ गया और बटन पट्टी भी एडजस्ट हो गई। तो ऐसे ही आपने बनाते जाना है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही ये 120 फंदों पर बनाया है, यहाँ से स्टार्ट किए हैं बटन पट्टी, सेम इतने फंदों की, आठ आठ फंदों की। बीच में ये मैंने कम फंदे रखे थे क्योंकि सीधी साइड से सारे फंदे उल्टे बुने जाएंगे यहाँ बटन पट्टी तक, और उल्टी साइड से उल्टे बुने जाएंगे। तो ऐसे आपने बनाते हुए 12 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर 11 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब उल्टी साइड में है, तो देखिए सेकंड कलर यहाँ पर अटैच करेंगे। अब देखिए उल्टी साइड में है क्योंकि हमारा धागा जो है इस साइड है, ये 11वीं सिलाई है। अब बीच में हमने
डिजाइन डालना है, तो सेकंड कलर में ये व्हाइट लगाऊंगी। आप कोई से भी लगा सकते हैं, बेबी वूल है, दोनों ही एक जैसी ऊन होनी चाहिए। ये जो बटन पट्टी है उल्टी साइड है, ध्यान दीजिए, 12वीं सिलाई है। ये बटन पट्टी के फंदे बना लेंगे उल्टे, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब यहाँ पर सेकंड कलर बीच में अटैच करेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो सभी फंदों को मैं यहाँ तक बटन पट्टी तक उल्टा बना लूंगी। ये देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं यहाँ पर बुनते हुए, व्हाइट से बना लिया है ये बटन पट्टी जो हमारी, ये इसी कलर से बनाएंगे और बीच में डिजाइन बनेगा। तो लास्ट में फिर से देखिए बटन पट्टी आ गई है 8 फंदों की। तो यहाँ पर फिर से ये वाला कलर अलग से अटैच करेंगे क्योंकि इसी कलर से हमें बटन पट्टी चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये कलर जो है फर्स्ट अटैच कर लूंगी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, 7 और ये 8। 8 फंदे बना लिए। यहाँ से टर्न करेंगे, देखिए यहाँ पर अलग से बूल लगाई है क्योंकि ये बूल हमारी जो है नीली यहाँ पर ही है। तो हमारे यहाँ पर 3 गोले लगे हैं, 2 ये ब्लू कलर के हो गए और 1 व्हाइट कलर का। अब देखिए बटन पट्टी तो हम इसी से बनाएंगे। एक फंदा उतारा पहला और इस फंदे को भी उतारेंगे बिना बुना धागा आगे, 5 फंदे उल्टे। और एक फंदा ऐसे उतारेंगे। अब देखिए यहाँ पर व्हाइट हमारा यहाँ पर है धागा, तो ऐसे नहीं बुनेंगे, इसे ऐसे क्रॉस कर लेंगे ताकि यहाँ पर होल ना बने धागा अपनी साइड। और सभी फंदे उल्टे और यहाँ पर डिजाइन डालना है फ्रेंड्स। तो देखिए डिजाइन हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से। ये देखिए ये बटन पट्टी मैंने इन्हीं फंदों से बना ली है, इसी कलर से बनाई है। अब यहाँ पर ऐसे क्रॉस करना है, धागा आगे लाना है ताकि यहाँ पर होल ना हो। तो एक फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 स्लिप करेंगे, 1 उल्टा बुनेंगे, 1 स्लिप करेंगे, 1 उल्टा बुनेंगे और 1 फंदा स्लिप करेंगे। तो बटन पट्टी हमारी ऐसे ही बुनी जाएगी और ये डिजाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। 1 उल्टा बनाना है, 1 स्लिप करना है, 1 उल्टा बुनेंगे, 1 स्लिप करेंगे, 1 उल्टा, 1 स्लिप करेंगे, 1 उल्टा बुनेंगे, 1 स्लिप करेंगे, 1 उल्टा बुनेंगे। तो ऐसे हमने इस रो को कंप्लीट कर लेना है। लास्ट में आ गई हूँ मैं, 1 स्लिप करेंगे, 1 उल्टा बुनेंगे, 1 स्लिप करेंगे, डिजाइन हो गया देखिए। अब बटन पट्टी आ गई है तो धागा ऐसे पीछे लेके जाएंगे और ऐसे क्रॉस करेंगे, ये देखिए इस तरीके से क्रॉस होना चाहिए। अब ये फंदा उतार लेना है, धागा आगे लाएंगे, 5 फंदे उल्टे, धागा पीछे, इस फंदे को उतारेंगे और लास्ट फंदा सीधा बना लेंगे उल्टी साइड से। ये बटन पट्टी के फंदे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए ऐसे, अब ये वाला आ गया, फिर से क्रॉस करना है यहाँ पर, ऐसे क्रॉस हो गया और थोड़ा सा टाइट कर लेंगे ताकि होल ना रहे, बिल्कुल आपने सफाई से करना है। यहाँ सभी फंदों को उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो
अब मैं उल्टी सिलाई उल्टी बना लेती हूँ, बटन पट्टी तक लास्ट में आ गई हूँ। देखिए नेक्स्ट फंदा बनाना है, इस कलर से बनाएंगे, फिरोजी कलर से। क्रॉस किया पहले और उल्टे बना लेंगे सारे फंदे। ध्यान रहे सीधी साइड भी क्रॉस करेंगे और उल्टी साइड भी क्रॉस करेंगे। राइट साइड आ गई, बटन पट्टी जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बना लेनी है। यहां तक ऐसे देखिए सीधी साइड में आ गई हूं मैं। यहां पर बटन पट्टी बना ली है जैसे बना रहे हैं इस कलर से। अब यहां पर फिर से क्रॉस करेंगे, दोनों साइड क्रॉस करना है। धागा आगे लाएंगे, देखिए पिछली रो में हमने इस फंदे को बुना था, अब बिना बुना लेंगे। नेक्स्ट फंदा बुन लेंगे उल्टा, ये फंदा पिछली रो में बुना था इसे बिना बुना लेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे। इस फंदे को उतारेंगे, नेक्स्ट फंदा उल्टा बुनेंगे, एक फंदा उतारेंगे एक बिना बुना लेंगे। तो इसी तरीके से आपने फिर से इस रो को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ये पहले बुना था ये उल्टा दिख रहा है आपको, इसे बिना बुना लेंगे। ये देखिए दूसरा फंदा जो है ये वाला, ये हमने बिना बुना लिया था, ये धागा जो है लूज दिख रहा है ये ऐसे। तो इसे हम इस रो में बुन लेंगे उल्टा, नेक्स्ट फंदा उतारेंगे नेक्स्ट फंदा बुनेंगे। तो इसी तरीके से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। सभी फंदों को आपने ऐसे ही बना लेना है। फिर से लास्ट में आ गई हूँ मैं, तो यहाँ पर फिर से क्रॉस करेंगे ऐसे। क्रॉस कर लिए, ये देखिए इस तरीके से क्रॉस होगा, ये वाला फंदा इस साइड आ गया, वाइट इस साइड आ गया। इसे उतारेंगे, धागा आगे, पांच फंदे उल्टे, दो फंदे ये ऐसे बुनेंगे, एक उतारेंगे लास्ट का बुन लेंगे। तो ऐसे चेंज ऐसी आती है, साफ दिखेगी। फिर उल्टी साइड से जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बना लेंगे। बटन पट्टी जो है बेस कलर से बुनी जाएगी और बीच में हमारा वाइट कलर से उल्टा बना लेंगे। और यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ क्रॉस करेंगे, ये वाला जो कलर है इसे आगे लाएंगे, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस हो गया, अब उल्टा बना लेंगे। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में फिर से आ गई हूँ, यहाँ पर ऐसे क्रॉस करेंगे फिर से इस तरीके से, और ये फंदे उल्टे बना लेंगे। से पहला फंदा उतारा, नेक्स्ट फंदा भी उतारा, धागा आगे किया और पांच फंदे उल्टे। ये उतारेंगे, फिर क्रॉस करेंगे ऐसे। अब पिछली रो में उतारा था, अब इसे बुन लेंगे ऐसे। नेक्स्ट फंदा उतारेंगे, फिर से बनाएंगे, एक उतारेंगे ऐसे बुनेंगे। जैसे फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही, पहली सिलाई बनाई थी वैसे ही पांचवी सिलाई को बना लेंगे। बस आपने यही ध्यान रखना है कौन सा फंदा आपने उतारना है और कौन सा बनाना है। लास्ट में आ गई हूँ, फिर से क्रॉस करेंगे, ये वाइट यहाँ लेके जाएंगे और ये वाला इस साइड से इस तरीके से यहाँ पर लेके आएंगे। एक फंदा उतारेंगे, धागा आगे, टाइट कर लेंगे यहाँ पर, और ये पांच फंदे उल्टे, धागा पीछे, उतारेंगे एक फंदा लास्ट का, सीधा बना लेंगे। तो ये पांचवी सिलाई कंप्लीट हो गई है। उल्टी साइड से छठी सिलाई बना लूंगी मैं, उल्टे उल्टे।
सीधी साइड में हूँ। यहाँ पर ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। ये जो मैंने वाइट कलर से बनाया है डिजाइन, 6 ही सिलाई का बनाना है। अब 6 सिलाई जो है इस कलर से बनाऊंगी इसके ऊपर। तो सीधी साइड है, तो जिस कलर से बटन पट्टी बनाई है उसी कलर से सभी फंदों को सीधा सीधा बना लूंगी। राइट साइड है, सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये हमारा डिजाइन जो है कंप्लीट हो गया है। वाइट कलर का 6 सिलाइयाँ बना ली है मैंने। उल्टी साइड में है अब, ये देखिए उल्टी साइड में। अब फिर से ये फर्स्ट कलर से बनानी है 6 सिलाइयाँ। तो इस कलर से बनाएंगे, जो इस साइड का है हमारा गोला, ये वाला 2 हमने लगाए हैं, एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो इसी से बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए उल्टी साइड में हूँ, तो इस धागे को यहीं पे रहने देंगे वाइट जो है, और इस साइड जो लगा है गोला इससे बना लेंगे नेक्स्ट फंदों को। लास्ट तक इसी से बनाएंगे, फिर इसी गोले से वापिस लाएंगे। 6 सिलाइयाँ बनानी है, इसी गोले के साथ लगानी है ताकि ये धागा फिर से यहाँ पर आए। तो सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो इस कलर से 6 सिलाइयाँ आप बनानी हैं। तो मैं ऐसे ही इस रो को कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं। तो ये वाला जो हमारा दूसरा गोला है बूल का, उससे बना रहे थे, अब इसी से बनाना है, इसी को वापस लेके जाना है, इसे यहीं पर रहने देंगे। सीधी साइड से जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बना लेंगे बटन पट्टी। ये 5 फंदे उल्टे और इस फंदे को बिना बुना लेंगे। धागा अब अपनी साइड करेंगे, ये फंदे उल्टे बनाएंगे। सेकंड रो इस कलर से उल्टी बनाएंगे, ताकि देखिए ये जो हमारा डिजाइन है ये भी उल्टी रो है, यहाँ पर यहाँ भी उल्टी, तो इसकी फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छी आती है। तो सभी फंदों को मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। देखिए इस कलर से 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। सीधी साइड से, उल्टी साइड से पहले उल्टा बुना था, सीधी साइड से उल्टा बना लिए हैं। बटन पट्टी जैसे बनाते आ रहे वैसे बनानी है। अब आ गए हैं उल्टी साइड, तीसरी सिलाई। ये बटन पट्टी के फंदे बना लिए। अब इसके बाद देखिए ये जो धागा है वाइट, ये 6 सिलाई के बाद चाहिए, तो इसे भी साथ साथ में ऐसे ऊपर लेते हुए चलेंगे। एक बार इस साइड को कर लीजिए, दूसरी बार फिर वापस कर लीजिए, तो ये भी साथ साथ ऊपर होता जाएगा हमारा धागा। अब नेक्स्ट जो फंदे हैं, उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा ही बनाना है। तो मैं बना लेती हूँ उल्टा। अब सीधी साइड, पहला फंदा उतारा, दूसरा भी उतारा, धागा आगे, 5 फंदे उल्टे ऐसे, धागा पीछे, इस फंदे को उतार लेंगे। अब देखिए, अब 4 सिलाइयाँ जो बनानी हैं, ध्यान दीजिए। अब जो सिलाइयाँ बनानी हैं, सीधी साइड से सीधा बनाना है, उल्टी साइड से उल्टा बनाना है, फिर सीधी साइड से सीधा। तो मैं आपको 2 सिलाइयाँ बनाकर दिखाती हूँ। सीधी साइड से सीधा बुन लेंगे इस रो को, और उल्टी साइड से उल्टा बना लेंगे ऐसे, जैसे सिंपल सादा बुनते हैं वैसे बनाना है।
यहाँ पर देखिए दो सिलाइयाँ मैंने और कंप्लीट कर ली। सीधी साइड से सीधा बुना, उल्टी साइड से उल्टा बुना। अब सीधी साइड में है तो इस रो को, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बनाना है। तो देखिए जिस गोले के साथ बना रहे हैं उसी के साथ बनाना है, और ये जो यहाँ पर ये वाला दूसरा हमारा बूल है इसे भी साथ साथ में ऊपर लेके आना है। तो अब सारी रो को इस साइड से उल्टा उल्टा बना लेंगे। छठी सिलाई है ये, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। यहाँ पर देखिए छह सिलाई कंप्लीट हो गई है और हमारा डिजाइन भी ऐसे बनके कंप्लीट हो गया। फिर से जैसे यहाँ से स्टार्ट किए था वैसे ही आगे बना लेंगे इस डिजाइन को। छह सिलाई में यहाँ उल्टी साइड से फिर से वाइट कलर से बनाएंगे। बटन पट्टी तो हमारी इसी कलर से बनेगी। तो ये बटन पट्टी के फंदे बना लूँगी मैं ये फिरोजी कलर से, आठ फंदे। और आगे का जैसे पहले बनाया था वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर पहले क्रॉस करेंगे और उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये मैंने बना लिए है यहाँ तक। जो डिजाइन यहाँ डाला था वो यहाँ डलेगा, दो बार हमारा डिजाइन डलेगा। उसके बाद ये जैसे ये प्लेन बुना है सीधी साइड से सीधा उल्टी साइड से उल्टा, वैसे मैं बना लूँगी लेंथ पूरी होने तक। तो मैं बनाकर आपको दिखा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ये आगे बनाना है, सीधा बनाना है, सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से ऐसे उल्टा उल्टा बनाते जाएंगे। तो दो बार मैंने डिजाइन यहाँ पर रिपीट किए हैं। तो ये छह सिलाई का डिजाइन है, छह सिलाई इस कलर की है, छह इसकी है। अब आगे आपने बिल्कुल सिंपल बनाते जाना है इस तरीके से लेंथ पूरी होने तक। तो ये मैंने बना लिए हैं 6 इंच, ये देखिए 6 इंच बन चुका है। ये इतना बना लेना है आपने। यहाँ पर मैंने फंदे जो हैं डिवाइड कर लिए हैं और मार्कर लगा लिए हैं। तो देखिए एक जो फंदा है यहाँ पर ये सीधा जो है बटन पट्टी के साथ लेंगे इसे, दो दो चार दो छः दो आठ, आठ फंदे इस साइड और आठ फंदे ये लास्ट के, बाकी के फंदे डिवाइड करेंगे। उसके बाद 25 फंदे ये रखे हैं मैंने और 25 फंदे ये रखे हैं, 25 ये और 25 ये, बीच के जितने भी फंदे हैं वो बैक पार्ट के लिए रखे हैं। यहाँ तक मार्कर जरूर लगाएं ताकि आपको ध्यान रहे कहाँ तक हमने बनाना है। तो यहाँ से टर्न होंगे अब। तो मार्कर लगाने से पहले जो फंदे हैं देखिए क्या करेंगे, इस साइड यहाँ पर देखिए फंदे मैंने डिवाइड कर लिए हैं, बांट लिए हैं जितने चाहिए। 25 फंदे ये हैं, बटन पट्टी एक्स्ट्रा हैं, 8 फंदे बटन पट्टी के हैं, 25 फंदे ये हैं, तो 33 फंदे हैं टोटल। 30 फंदे ये हैं और 54 फंदे ये हैं और 30 फंदे ये हैं, 33 फंदे। इस रो को मैंने यहाँ तक बना लिया है, सीधा बनाना है। इस साइड से जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बनाना है और बटन होल भी साथ साथ में आपने बनाते जाना है गैप में। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं, ये देखिए सीधा बनाते हुए जैसे बनाते आ रहे हैं इसे। दो फंदे हैं ये, जो 25 फंदे यहाँ पर रखे हैं वो वाले फंदे हैं, तो ऊन आगे करेंगे और इन दो फंदों को उल्टा बुनेंगे ऐसे। धागा पीछे और यहाँ से टर्न करेंगे। आप इसी सिलाई से भी बना सकते हैं या अलग से नीडल भी लगा सकते हैं। उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे हमने 6 सिलाइयां बनानी हैं। एक सिलाई हमने सीधी साइड से बुनी और उल्टी साइड आ गए, फिर से सीधी साइड में बुनेंगे। इसी तरीके से काउंट करते जाएंगे, लास्ट में दो फंदे उल्टे बना लेंगे।
तो मैं बना लेती हूँ। सीधी साइड बटन पट्टी जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनानी है। पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा भी उतार लेंगे, पांच फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे, ये फंदे सीधे सीधे ही बना लेंगे। धागा आगे ऐसे, लास्ट में दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक और ये दो। धागा पीछे, उल्टी साइड से उल्टा ही बना लेंगे। तो ऐसे में छह सिलाइयां कंप्लीट कर लूंगी। ये देखिए छह सिलाइयां बना ली मैंने, एक दो तीन, ये उल्टी जो आपको धारियां दिख रही है तीन है, तो छह सिलाइयां कंप्लीट हो चुकी। अब ये अलग से सिलाई में इन्हें डाल लूँगी, ये अभी नहीं बनाना है। साथ में बाजू भी यहाँ पर ज्वाइंट होगी, तो अभी छः छः सिलाइयाँ इसी की बनानी है, जो बैक पार्ट है अब उसकी बनानी है छः सिलाइयाँ। तो ये धागा जो यहीं पर रहने दें, इसे आप काटे ना तोड़े ना, क्योंकि बाद में इसी से बुनेंगे। तो यहाँ तक मैंने ये फंदे इस सिलाई में ले लिए हैं, अब मार्कर का कोई काम नहीं है। तो अब ये फंदे भी ऐसे ही बनाने हैं, दो फंदे इस साइड उल्टे रखने हैं, दो फंदे ये लास्ट वाले उल्टे रखने हैं। ये बीच का जो पार्ट है, यहाँ बीच के फंदे सीधे बुने जाएंगे। तो देखिए छह सिलाइयाँ इसकी भी बनानी है, तो यहाँ पर अलग से धागा ज्वाइंट करेंगे। तो स्टार्टिंग के दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक धागा मैंने अलग से ज्वाइंट कर लिए हैं, दो धागा पीछे। अब ये बीच के सारे फंदे सीधे बुनेंगे, लास्ट के मार्क से दो फंदे रहने तक। ये दो फंदे हैं, इन्हें उल्टा बनाएंगे। धागा अपनी साइड, ये उल्टे बना लिए, और यहाँ से फिर से बैक टर्न करेंगे और इन फंदों को उल्टी साइड से उल्टा बना लेंगे। ये दूसरी सिलाई है, ऐसे हमने ये छह सिलाइयाँ बना लेनी हैं, ये बैक पार्ट की भी। सीधी साइड में ये शुरुआत के दो फंदे उल्टे, एक दो, जैसे पहले बनाया था वैसे ही बनाएंगे। धागा पीछे, बाकी के फंदे सीधे, लास्ट के दो फंदे रहने तक उन दो फंदों को उल्टा बना लेंगे। ये तीसरी सिलाई है, ऐसे ही तीन सिलाइयां और बना लेंगे। तो मैं बनाकर दिखाती हूँ। और जैसे इस साइड का बुनाइए छह सिलाइयां, वैसे ही यहाँ पर अलग से धागा ज्वाइंट करके ये फंदे भी बना लेंगे छह सिलाइयाँ। तो मैं बनाकर आपको ये दिखाती हूँ। तो ये मैंने छह सिलाइयाँ इसकी भी बना ली हैं, यहाँ तक 1 2 3 उल्टी लाइन दिख रही है। तो छह सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। धागा इस साइड है और यहाँ से धागा काट देंगे। ये बीच वाला काटना है जो पहले बुना है, ये नहीं काटना है क्योंकि बाद में यहाँ से स्टार्ट करना है बनाना। तो इन फंदों को अलग से सिलाई में डाल लेंगे। तो मैंने ये बायर वाली नीडल ली है, तो इसी में डाल दूंगी मैं इकट्ठा ही, जो पहले बनाया है उसे भी और इसे भी। यहाँ तक ये बैक पार्ट जो है मैंने यहाँ पर ले लिया। एक सिलाई में हो गए फंदे,
आप अलग यहाँ पर अलग सिलाई लगा लें, यहाँ पर अलग। और आप देखिए ये बच्चे, तो इन्हें भी ऐसे ही बना लेंगे जैसे ये 6 सिलाइयाँ बुनी, यहाँ पर भी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लूँगी। तो मार्कर निकाल लूँगी और यहाँ पर अलग से धागा ज्वाइंट करूँगी। ये दो फंदे स्टार्टिंग के उल्टे, बाकी के फंदे सीधे। फ्रंट पार्ट में दोनों साइड एक एक साइड ही दो दो फंदे उल्टे रखने हैं। जो सेंटर का पार्ट होगा उसके दोनों साइड दो दो फंदे उल्टे रहेंगे। लास्ट में बटन पट्टी जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बना लेनी है। उल्टी साइड से इन फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। उल्टी साइड से उल्टी रो बना ली, राइट साइड फिर से दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक और ये दो, बाकी के फंदे सीधे। और बटन पट्टी जैसे बुनते आ रहे हैं वैसे बनाएंगे। तो ये तीसरी सिलाई है, तो ऐसे हमने 6 सिलाइयाँ इस साइड भी कंप्लीट कर लेनी है। तीन पार्ट में हमने डिवाइड किया है इसको, और इस तरीके से आपने 6-6 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। तो मैंने इसकी भी ये 6 सिलाइयाँ बना ली हैं, 1 2 3 उल्टा दिख रहा है, तो 6 रो कंप्लीट हो गई है। अब इन फंदों को भी मैं इसी वायर वाले नीडल में डाल लूँगी ताकि एक ही सिलाई में ये फंदे हमारे एडजस्ट हो जाएँ। आप अलग अलग सिलाई में डाल सकते हैं, अगर सिलाई नहीं है तो सुई में आप ऊन डालिए और कलर की, और इस तरीके से फंदों को डाल लीजिए तो भी फंदे निकलते नहीं हैं। तो अब देखिए ऐसे हमारा ये बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए एक बार आप समझ लीजिए, यहाँ पर ये लेंथ पूरी होने तक बनाया, यहाँ तक 6.5 इंच, और उसके बाद 6 सिलाइयाँ बनाई। ये फंदे दो दो उल्टे रखे हैं इस साइड, इस साइड भी दो उल्टे अलग से बुना, ये भी दो उल्टे बैक पार्ट ये हमारा, और ये इस साइड भी दो फंदे उल्टे रखे, बाकी जैसे बुनते आ रहे हैं वैसे बना लिए हैं। तो इस तरीके से आपने इतना पार्ट कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये स्वेटर की लुक जो है आएगी। न्यू बोर्न बेबी से लेके 6 मंथ के बच्चे के लिए ये स्वेटर जो है आराम से आ जाएगा। तो इतना बन चुका है। अब इसके साथ में बाजू भी अटैच करने हैं, तो ये जो स्वेटर है ये डाउन से बन के अपर को जाएगा, गला भी साथ में बनेगा। जो कि नेक से बनते हैं स्वेटर, वो हमारे फंदे बढ़ते हैं यहाँ पर, नेक से जब नीचे आते हैं बढ़ते जाते हैं, यहाँ से घटते जाएंगे। तो बिल्कुल आसान है बनाने में। तो बाजू भी अब साथ में हमारी जुड़ेगी, तो बाजू को भी आपने रेडी कर लेना है। तो इतना ही बनाना है इसे, अब बाजू के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे।